डार्क सर्कल्स हो चुके हैं, पिगमेंटेशन, स्पॉट्स, एक्ने, पिंपल्स, ब्लेमिशेस एंड एक्सेट्रा. यू गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज मी कृतिका तवर. सो गाइस इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल सम 6 ब्यूटी हैक्स जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाले हैं. इफ़ आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई है, स्पॉट्स हो गए हैं, काली काली झुर्रियाँ पड़ चुकी है, सो टिप नंबर वन, आप लोग को आज की आज से स्किन केयर करना स्टार्ट कर ही देना चाहिए एंड यूज DIY रेमेडीज. ओके, डार्क सर्कल्स हो चुके हैं, पिगमेंटेशन, स्पॉट्स, एक्ने, पिंपल्स, ब्लेमिशेस एंड एक्सेट्रा. सो आज हम क्या करेंगे ना, रिमूव करेंगे टैनिंग को एंड ग्लो को ऐड करने वाले हैं. एंड अगर आप देखते हैं किसी की इनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा यू नो ग्लो हो चुका है, बहुत ज़्यादा शाइन स्किन है, एकदम अंदर से ही ग्लो बाहर निकल कर आ रहा है, सो उसका क्या होगा ना, सबसे पहले तो उसका स्किन केयर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा एकदम. एंड उसकी एक क्या होगी ना, बैलेंस डाइट होगी. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड टू द गाइस. टिप नंबर वन इज, अगर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग स्किन चाहिए, एकदम अंदर से चमकती हुई स्किन चाहिए, तो आप लोग ये वाला हैक ज़रूर ट्राई कर सकते हैं. आप लोगों को क्या चाहिए ना, थोड़ा सा बेसन ले लेना है, इसके अंदर ऐड करना है कर्ड यानी कि दही एंड पिंच ऑफ टर्मरिक यानी कि चुटकी भर हल्दी. इसको हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एकदम स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेंगे एंड इसको अच्छे से अपने फेस पे पूरा अप्लाई कर लेंगे. अच्छे से अप्लाई हो जाने के बाद 15 मिनट्स तक रखेंगे एंड वॉश कर लेंगे नॉर्मल वाटर से. एंड आप लोग को रिजल्ट इतना ज़्यादा सुंदर मिलेगा ना, एकदम ग्लोइंग स्किन, एकदम हाइड्रेटेड स्किन. आप लोग को ये हैक ज़रूर 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 ट्राई करना चाहिए. टिप नंबर टू, सो जो हमारे पिंपल्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्ने हो गया है, पिंपल्स हो गए हैं जो कि बहुत टाइम से जा ही नहीं रहे, सो ये एक आयुर्वेदिक नुस्खा है, बहुत टाइम से चलता आ रहा है. ओके, तो क्या करो ना, जब मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो ब्रश किए बिना जो हमारी बासी लार होती है ना, तो उसको लेकर हमारे पिंपल्स पे लगा लेना है. ना कोई ब्रश करना है, ना कुछ करना है, ना पानी पीना है, एकदम बासी लार जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में सलाइवा, ओके, उसको लेना है एंड अपने पिंपल से एकदम ऐसे डॉट डॉट करके लगा लेना है. एंड आप लोग नेक्स्ट 2 डेज में ही देखोगे कि आपके पिंपल्स में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा आप लोगों को. एंड ये आप लोगों को करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग एक रेमेडी ट्राई कर सकते हैं, वो है नीम पाउडर लेना है. जो नीम होती है ना, नीम के पत्ते, उसे अच्छे से पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है, एक पाउडर बना लीजिए. उसके अंदर ऐड करना है सैंडलवुड पाउडर यानी कि चंदन का पाउडर एंड उसके अंदर ऐड कर दीजिए एलोवेरा जेल. ओके, या तो आप लोग प्लांट वाला भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी यूज़ कर सकते हैं. अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड एक पेस्ट नहीं बन पा रहा है तो आप लोग थोड़ा सा वाटर ऐड कर दीजिए, अच्छे से पेस्ट बना लीजिए एंड इसे अपने फेस पे लगाओ. थोड़ी देर तक रखो, 15 मिनट्स तक, एंड फिर नॉर्मल वाटर से वॉश कर लो या एक नॉर्मल क्लोथ से वॉश लो अपना फेस एंड आप लोग को सच में अच्छा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा. क्योंकि नीम के अंदर होता है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है एंड ये एक नेचर्स का एकदम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का नुस्खा है, बहुत ही अच्छा वाला, तो आप लोग ये ज़रूर 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 ट्राई करें. नंबर 3, अगर आप लोग को चाहिए बहुत ज़्यादा ग्लास स्किन, एकदम अंदर से हाइड्रेटेड स्किन एंड बिल्कुल निखार वाली स्किन, तो आप लोग ये वाला रेमेडी ट्राई कर सकते हैं. इसके लिए आप लोग को ले लेना है चावल का आटा यानी कि राइस फ्लावर, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट इंग्रेडिएंट है ग्लास स्किन के लिए. अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें ये वाली रेमेडी. एंड सबसे पहले राइस फ्लावर ले लेना है, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हनी एंड आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं हनी तो. और उसके अंदर ऐड कर दीजिए रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध, इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एक स्क्रब टाइप का बन जाएगा थोड़ा सा. एंड इसको अच्छे से 15 मिनट्स के लिए रख देना है एंड फिर 2 मिनट्स के लिए आप लोग को क्या करना है ना, स्क्रब करना है. जब हम लोग को फेस वॉश करेंगे ना, तब थोड़ा सा मसाज करें फेस पे बिल्कुल अच्छे से स्लोली स्लोली एंड फिर इसे वॉश कर लीजिए नॉर्मल वाटर से. एंड आप लोग को 2 टाइम्स यूज़ में ही, फर्स्ट टाइम यूज़ में ही बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एकदम ग्लास स्किन, क्यूट क्यूट. टिप नंबर 4, अगर आप लोग को चाहिए एकदम ब्राइडल वाला ग्लो, जो भी यहाँ पे कोई गर्ल्स है, ब्राइड बनने वाली है, ये उनके लिए है. ओके, एंड सबसे पहले आप लोग को इसके लिए क्या करना है ना, मसूर दाल का जो पाउडर आता है ना, जो हमारे घर में होती है मसूर की दाल, उसका एक पाउडर बना लीजिए. उसके अंदर ऐड करना है पिंच ऑफ टर्मरिक यानी कि चुटकी भर हल्दी एंड उसके अंदर ऐड कर दो थोड़ा सा कच्चा दूध. ओके, ये आप लोग मिक्स करो, पेस्ट को अच्छे से लगाओ, हफ्ते में 3 बार यूज़ करो. एंड मैं आप लोग को सच बता रही हूँ, 15 मिनट्स तक रखो एंड फिर वॉश कर लो या तो फिर फेस को नॉर्मल क्लोथ से पोंछ लो. एंड आप लोग बस हफ्ते में 3 बार या 2 बार यूज़ करो, आप लोग को इतना सुंदर वाला रिजल्ट मिलने वाला है ना, आई एम 100% श्योर आप लोग को एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो मिलने वाला है फेस पे, एकदम स्किन ब्राइट हो जाएगी. सो आप लोग को ये ज़रूर 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 ट्राई करना. टिप नंबर 5, अगर आपकी स्किन पे यू नो बहुत ज़्यादा डल स्किन हो गई है, डेड स्किन लेयर आ चुकी है, एकदम सूखी सूखी परत हो चुकी है स्किन पे, अगर
आप लोग को एक स्किन ब्राइटनिंग मास्क चाहिए तो आप लोग ये वाली रेमेडी ज़रूर ट्राई करें। आप लोग को सबसे पहले क्या ले लेना है ना, मुल्तानी मिट्टी, जो कि हमारी स्किन के लिए एंड हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट इंग्रेडिएंट माना जाता है। इसके अंदर ऐड करना है पोमेग्रेनेट पाउडर यानी कि अनार का पाउडर। अगर ये नहीं है आप लोग के पास तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं ऑरेंज पील पाउडर, सॉरी। एंड इसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ा सा एलोवेरा जेल एंड थोड़ा सा कर्ड यानी कि दही। इसको मिक्स करके एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लीजिए एंड फिर अपने फेस पे लगाइए हफ्ते में 3 बार। आप लोग को इतना सुंदर वाला रिजल्ट मिलेगा ना। एंड अच्छे से लगाइए, एकदम मन से लगाइए एंड बहुत ही सुंदर वाला रिजल्ट मिलने वाला है। मैंने खुद ने यूज़ करा है इसलिए मैं आप लोग को ये सब कुछ बता रही हूँ। टिप नंबर 6, अगर आपकी स्किन पे हो चुकी है बहुत ही बुरी वाली टैनिंग, जो कि सबके हो जाती है, एकदम स्किन टैन हो चुकी है, तो आप लोग ये सिंपल सी रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। हनी ले लीजिए, उसके अंदर मिक्स कर दीजिए, तो यूज़ करना है इसको, मिक्स करो एंड लगाओ एकदम। आप लोग को अगर प्रॉब्लम हो रही है कि लगाया नहीं जा रहा तो इसके अंदर थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड कर दो एंड फिर इसको अच्छे से अपने फेस पे पूरा लगाओ। 15 या 20 मिनट्स तक रखो एंड फिर आप लोग को एक इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप लोग को इसको अच्छे से यूज़ करना है एंड फिर नॉर्मल वाटर से अच्छे से थोड़ा सा ड्राई हो जाए। एंड आप लोग क्या करो ना, जो भी मैंने आप लोग को ये मास्क बताए इतने सारे, तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए ना, उसके बाद आप लोग एक रोज़ वाटर लो, थोड़ा सा स्प्रे करो एंड थोड़ा सा गीला हो जाएगा ना, वेट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग वॉश कर लो या तो फिर उसको ड्राई कर लो या पोंछ लो। ओके, तो इससे क्या होगा ना, एकदम अच्छे से रिमूव भी हो जाएगा, आप लोग को एक इंस्टेंट ग्लो मिलेगा, बहुत ही सुंदर सी स्किन मिलेगी। गाइस, ये हो चुकी है हमारी एकदम सिंपल 6 रेमेडीज कंप्लीट, जो कि बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा आप लोग को अंदर से सुंदर बना देगी। एंड अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग तो नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा मेहनत है तो कुछ भी नहीं हो सकता, रिजल्ट आप लोग को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, एकदम शिद्दत से मन से यूज करो, आप लोग को एब्सोल्युटली बहुत ही ज्यादा सुंदर सा रिजल्ट मिलेगा। सो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आप लोग इसके नीचे भी कॉमेंट करके जरूर बताना आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। एंड आप लोग रिजल्ट कैसे मिले ट्राई करो एंड रिजल्ट भी मुझे जरूर शेयर करना कमेंट में, क्योंकि कमेंट में लोगों को ज्यादा भरोसा होता है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।